संघर्ष करने और लगातार सीखते रहने का जज्बा हो तो जिंदगी कभी नहीं ठहर सकती, यह हर मुसीबत से बाहर निकल आती है। कोरबा स्थित बेलगरी बस्ती में रहने वाली रजनी चौहान एवं उसके स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हौसले को देखकर यही कहा जा सकता है कि अवसर अक्सर उन्हें ही मिलते हैं जो कठिनाइयों के बीच जीतने का हौसला नहीं छोड़ते। देखें ये रिपोर्ट। यह है बालको का मटेरियल गेट परिसर, जहां ज्योति स्वयं सहायता समूह हेलमेट एवं सुरक्षा जूतों के किराए के व्यवसाय से जुड़ी है। इस समूह ने बताया कि इन्होंने बालको सामुदायिक विकास विभाग से कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए मदद मांगी थी। समूह की अध्यक्ष रजनी बताती हैं कि हमारे समूह का निर्माण लगभग 3 वर्ष पहले हो गया था। तब से यह समूह कोसा धागा निकालने के काम में जुड़ा था, परंतु धागा निकालने का काम बहुत मुनाफे वाला नहीं है, इस वजह से यह बंद हो गया। हमने बालको के सामुदायिक विकास कार्यों के बारे में बहुत सी सकारात्मक बातें सुन रखी थी, सो हमने बालको को अर्जी देकर कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए मार्गदर्शन देने की बात कही। बेलगरी बस्ती के रहने वाला हमन ज्योति सहायता समूह है। हमन कोसा धागा निकालत रहे, हम प्रॉफिट कम हुई से फिर बालको गए हमन, फिर बालको वाले काम ला हम लगी से काम करत हन, अच्छा प्रॉफिट भी होते है, अब काम पढ़ाना चाहत है। ज्योति स्वयं सहायता समूह से आवेदन मिलने पर बालको सामुदायिक विकास विभाग ने बालको के सस्टेनेबिलिटी विभाग से विचार विमर्श कर ज्योति स्वयं सहायता समूह के लिए सुरक्षा जूते और हेलमेट के किराए का व्यवसाय शुरू करने का खाका तैयार किया। बालको को प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की आपूर्ति बालको के एलुमिना गेट के समीप स्थित मटेरियल गेट के जरिए होती है। बालको संयंत्र परिसर में लागू कड़े सुरक्षा मापदंडों के कारण सप्लायर ट्रकों के ड्राइवर एवं क्लीनरों को संयंत्र के अंदर तभी प्रवेश करने दिया जाता है जबकि उनके पास सुरक्षा हेलमेट एवं जूते हों। अमूमन ड्राइवर और क्लीनर बिना सुरक्षा जूते एवं हेलमेट के ही बालको पहुंचते हैं। ऐसे में बालको की सुरक्षा में लगे गार्ड उन्हें हेलमेट और जूते पहनकर आने की सलाह देते हैं। ड्राइवर और क्लीनरों की इसी जरूरत के एक नए तरीके से व्यवसाय की सोच ने जन्म लिया है। बालको अपने सीसा प्रोग्राम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को मदद करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसमें से एक एक्टिविटी है जिसके अंतर्गत हमने इसे बिजनेस से लिंक किया है। प्रत्येक दिन लगभग 200 से 250 कभी कभी 300 ट्रक भी हमारे अंदर में आते हैं और जिसके मतलब सेफ्टी कंप्लायंस को नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए प्रत्येक ट्रक में जो लेबर होते हैं उनको सेफ्टी शूज और हेलमेट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रत्येक ट्रक में ये होता नहीं है। तो इसके लिए हमने एक स्वयं सहायता समूह को लिंक किया है जिसको गेट पे रेंटल बेसिस पे हमने नॉमिनल चार्ज पे शू और हेलमेट प्रोवाइड करा दिया ताकि ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी बने, साथ साथ जो हमारे सेफ्टी नॉर्म्स हैं बालकों के उसको भी फुलफिल कर सके। समूह के सदस्यों को व्यवसाय की विस्तार से जानकारी दी गई और सभी महिलाएं इस नए काम को शुरू करने के लिए तैयार हो गई। समूह के लिए मटेरियल गेट पर एक सेट तैयार कराया गया है, इसके साथ ही लगभग 100 हेलमेट और 250 जोड़ी जूते निःशुल्क दिए गए हैं। 4 अप्रैल 2015 से समूह का काम पूरे जोर शोर से शुरू हो गया है। ज्योति स्वयं सहायता समूह के लिए यह व्यवसाय शुरू कराने के पीछे सोच यह थी कि इससे महिलाओं के लिए स्थायी काम और आमदनी का बंदोबस्त हो जाए। यूं तो रजनी और उसके समूह की सदस्याएं बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अपने व्यवसाय को खूब व्यवस्थित ढंग से चलाने का हुनर जानती है। यह समूह बालको संयंत्र में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति से एक जोड़ी सुरक्षा जूते और हेलमेट की एवज में 20 रुपए का शुल्क लेती है। व्यक्ति को जूते और हेलमेट जारी करने से पूर्व उसके नाम का पंजीयन किया जाता है। इसके साथ ही अमानत राशि ली जाती है ताकि जूते अथवा हेलमेट खराब होने या गुम होने की स्थिति में राशि समायोजित की जा सके। जूते और हेलमेट सही सलामत वापस जमा करने पर अमानत राशि लौटा दी जाती है। मटेरियल गेट पर ट्रकों और अन्य वाहनों की लंबी कतारों को देखकर ज्योति स्वयं सहायता समूह की आमदनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। रजनी बालको प्रबंधन को धन्यवाद देते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक चलता रहा तो अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाएंगे।